नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y17s वर्सेस Poco C65 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y17s में 6.44 इंच जबकि Poco C65 में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y17s में 2.97 इंच जबकि Poco C65 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y17s में 0.31 इंच जबकि Poco C65 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Y17s में 186 ग्राम जबकि Poco C65 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y17s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y17s में 6.56 इंचेस जबकि Poco C65 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y17s में 720x1612 और Poco C65 में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y17s में 84.17% जबकि Poco C65 में 82.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y17s में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco C65 में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y17s में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco C65 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y17s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco C65 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y17s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco C65 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali-G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Y17s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB/4GB की RAM मिलती है, जबकि Poco C65 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB/6GB/8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y17s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB/128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Poco C65 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB/128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y17s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीज़
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,274 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको C65 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो वीवो Y17s में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको C65 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नोकिया C32 है, दूसरा Realme Nazo N53 है, तीसरा Oppo A59 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A05s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।